प्रॉमिस यू कि तुम आने वाले किसी भी टाइम पे टीएसडी के क्रॉसिंग टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो तुम 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। अब दो सिनेरियो, पहले केस में क्या था, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है। यस सर। दूसरे केस में क्या है? यस सर। सो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्रॉसिंग, तो जब भी ट्रेन पोल को क्रॉस करती है ना, तो डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल करती है, अगर यहाँ पे पोल की जगह अगर मैं एक प्लेटफॉर्म खड़ी कर देता हूँ तो क्या सिनेरियो? अब इसके पीछे जो बेसिक फंडा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस विद्यार्थी अर्जुन, मैं एडुटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य, लेके आए हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ये सवाल, जो कि कैट 2021 के स्लॉट 1 से लिया गया क्वेश्चन है। सर ये टीएचडी का वही क्वेश्चन, एक दूसरे को क्रॉस कर लिया इतना टाइम उतना टाइम, फिर से वही टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है सर। बिल्कुल, तो ये इजी है ना? ये इजी है, तो छोड़ने का नहीं कैटेगरी सर। बिल्कुल चलो भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस के छोड़ने का नहीं इस कैटेगरी को फटाफट अटेम्प्ट करते हैं और बना के देखते हैं कि कैसा है। क्वेश्चन ये रहा आपकी बड़ी स्क्रीन पे, इसको प्लीज पॉज करिए, 2 से 3 मिनट इसको अटेम्प्ट करिए और वापस आके फिर सॉल्यूशन देखिए, वरना फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए सवाल को गुरु चेला स्टाइल से बनाया जाए। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड्स व्हेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग पैरेलल ट्रैक्स। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेज अ लैंप पोस्ट इन 12 सेकंड्स। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, यानी कि स्लोअर ट्रेन राइट, इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन, जिसकी लंबाई इन्होंने दे रखी थी, इट्स लेंथ इन मीटर इज, अरे भाई सर ये तो कहीं सेकंड, कहीं आर, कहीं किलोमीटर, कहीं मीटर, क्या चल रहा है सर? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन। हाँ सर, सबको एक यूनिट में लेके आते सर, मीटर एंड सेकंड में लेके आते सर सबको। जो आंसर पूछा वो किसके टर्म में पूछा है? मीटर में सर। तो बेटर है सबको मैं मीटर के टर्म में कन्वर्ट करूं। यस सर, और आर को भी सेकंड कर देते सर। सो व्हाट इज 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू? 1 किलोमीटर पर आवर सर 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 into 60 seconds, दैट्स राइट, व्हिच इज 5/80। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दैट 1 किलोमीटर पर आवर इट इज ऑलवेज इक्वल टू 5/80 meter per second। समझ रहे हो? गॉट इट। ठीक है, और नाउ अब दो सिनेरियो, पहले केस में क्या था, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है। यस सर। दूसरे केस में क्या है, फास्टर ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए सर? मेरे को तो लगता है पहले तो सारे सिनेरियो को बना बना के ना लिख लेते हैं, ताकि आसानी से हम उसको कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अब इसके पीछे जो बेसिक फंडा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये एक लैंप पोल है, ओके ठीक है, यहाँ पे और एक ट्रेन है ऐसे खड़ी है यहाँ पे, ओके ठीक है ना। ट्रेन की लेंथ क्या ले लेता हूँ, एल, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या ले लेता हूँ, एस, ओके। क्रॉसिंग टाइम का मतलब क्या है यहाँ? अभी ये ट्रेन की पोजीशन है, यस सर, ये ट्रेन का इंजन तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ऊपर धुआं निकल रहा है उससे? बिल्कुल। कुछ भी, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट करती है तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी, हाँ, धीरे 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 करके उसने क्रॉस कर लिया। क्या अब ये क्रॉस हुआ? हो गया सर। तो ये जो ट्रेन का जो इंजन था, हाँ, वो उस इंजन ने यहां से लेके यहां तक ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जेब बात, और ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ है। यस सर। सो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्रॉसिंग, तो जब भी ट्रेन पोल को क्रॉस करती है ना, तो डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल करती है वो अपनी खुद की लेंथ के बराबर करती है, और उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, एस है। सो कैन यू से इन दिस केस क्रॉसिंग टाइम इट इज इक्वल टू नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। यस सर। ये कब का सिनेरियो, जब पोल हो, अगर यहाँ पे पोल की जगह अगर मैं एक प्लेटफॉर्म खड़ी कर देता हूँ तो क्या सिनेरियो होगा? अब अगर मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये ट्रेन है जिसको मैं एल से रखूं, तो क्रॉसिंग के पहले ये पोजीशन होगी, ओके, और क्रॉसिंग के बाद जब ये ट्रेन यहां से ऐसे मूव करेगी तो आफ्टर क्रॉसिंग ट्रेन की पोजीशन ये होगी, ओके। तो सो इस ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर? प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेवल किया, हाँ, और खुद का भी लेंथ ट्रेवल तो किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, एल प्लस पी, पी एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो इन जनरल मेरा जो क्रॉसिंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। अब तो देखो जेनरिक फॉर्मूला बना दिया सर आपने, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, अब जैसे पोल है तो पोल की लेंथ क्या होगी, जीरो। अगर एक प्लेटफॉर्म है तो क्या होगी, प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होगी, सो लेंथ ऑफ ट्रेन L1, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज L2, ठीक है, P in that case. और S1 इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, बट क्या प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड होगी, जीरो, तो वहां पे जीरो।
सो अब अगर मान लो दो ट्रेन है, अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अब अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो उस केस में दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ऐड हो जाएगी, दोनों ही ट्रैवल कर, तो वहां पे S1 प्लस माइनस S2 होगा, डिपेंड करता है दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है या ओपोजिट। गॉट इट? ठीक है, अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2। यस सर। अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन ओपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी जनरल फॉर्म। बहुत सही सर, अब तो लग रहा है क्वेश्चन में क्रैक कर दूंगा सर फटाक से। तो झाड़ू लगा दिया जाए, झाड़ू। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। अब यहाँ पे क्या था, टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड। तो क्रॉसिंग टाइम क्या क्या हो गया, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड इन ओपोजिट डायरेक्शन प्लस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। सो प्लस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन एंड दैट इज गिवन एज हाउ मच, 14। ओके, द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेज अ लैंप पोस्ट इन 12 सेकंड। तो फास्टर ट्रेन लैंप को कर रही है, सो आई कैन से लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ लैंप क्या हो गया, जीरो। ऑलराइट, फिर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और स्पीड ऑफ लैंप, जीरो जीरो, एंड दैट इज गिवन एज हाउ मच, 12 सेकंड। और एक चीज और गिवन है, दैट द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन। ऑलराइट, सो वी नो दैट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 × 5/18, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, सब मीटर एंड सेकंड्स में आ गया। तो बस अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। ओके, एल एस मुझे निकालना है। दैट्स इट, आ जाएगा अब। अब तो इक्वेशन वाला गेम है सर, 2 मिनट लगेगा। तो अब मुझे बताओ, ये जो सेकंड इक्वेशन है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी गिवन थी, 160, सो दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इनटू 12। यस सर। सो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 160 / 12 एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, तो इसका मतलब हो जाएगा सर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 40/3 हो जाएगा सर। दैट, सो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज 40/3। ये बात। सो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या है बताओ यहाँ पे सर, स्पीड ऑफ 40/3 - 5/3। यस सर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन नाउ, 35/3 सर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन छोड़ देगा नहीं, कैटेगरी का सवाल था। लेकिन देखो, अगर तुमने ये डिटेल में वीडियो देखा है और अगर इसके नोट्स तुमने ठीक से बनाए हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि तुम आने वाले किसी भी टाइम पे TSD के क्रॉसिंग टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो तुम 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे और ये फॉर्मूला भी तुम एकदम इंटरनलाइज कर सकते हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम क्या कहते हैं सर, एक नोटबुक संवेग के नाम, तुरंत के पहले बना लो मेरे भाई, तभी तुमको याद रहेगी सारी चीजें एग्जाम के ठीक पहले। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है हो जाएगा, नहीं है तो बना देंगे भाई लोग। टाटा आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक